नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगी, तो आइए पहले उन्हें जान लेते हैं। आज ही के दिन 1825 में पुर्तगाल ने ब्राजील की स्वतंत्रता की मान्यता दी थी। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। आज ही के दिन 1756 में पर्शिया के फ्रेडरिक द्वितीय सक्सोनी पर हमला हुआ था, जिसके कारण महाद्वीप पर 7 वर्षों के युद्ध की शुरुआत हुई थी। वह अपने सैनिक विजयों, पर्शिया की सेना की पूर्ण रचना करने, पर्शिया में कला और प्रबोध को प्रोत्साहित करने और सप्तवर्षीय युद्ध में अनेकानेक कठिनाइयों के रहते हुए भी विजय प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। आज ही के दिन 1831 में ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन किया था। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 ईस्वी को हुआ था। अपने जीवन काल में फैराडे ने अनेक खोजें की। सन 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की महत्वपूर्ण खोज भी उन्होंने ही की थी। आज ही के दिन 1905 में इलाहाबाद में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था और टीम को स्वर्ण दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में इसरो ने मंगलयान को प्रथम प्रयास में ही मंगल तक पहुंचाने का करिश्मा कर दिखाया था। आज ही के दिन 1958 में मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था। ये लोकप्रिय अमेरिकी पॉप गायक थे, जिन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। माइकल जैक्सन कई बार गिनीज बुक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अब तक के सबसे सफल मनोरंजनकर्ता के 23 ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले जैक्सन अकेले कलाकार हैं। आज ही के दिन 1957 में कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आज ही के दिन 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आज ही के दिन सोवियत संघ ने 1949 में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। इस प्रकार परमाणु हथियारों के मैदान में अमेरिका के साथ एक अन्य देश ने प्रवेश लिया था और दोनों देशों के मध्य शांति संतुलन स्थापित हुआ था। इसके बाद अमेरिका और रूस के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो सोवियत संघ के विघटन तक जारी रहा। पूर्व भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर आज ही के दिन 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव के नाम पर रखा गया है। आज ही के दिन न्यूयॉर्क में 4 दिवसीय विश्व शांति शिखर सम्मेलन 2000 में शुरू हुआ था। विश्व शांति पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम है, जिसके तहत देश या तो स्वेच्छा से या शासन की एक प्रणाली के जरिए इच्छा से सहयोग करते हैं, ताकि युद्ध को रोका जा सके। आज ही के दिन प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का निधन 1976 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगह उनकी कविता और गान को सम्मान प्राप्त है। उनकी कविता में विद्रोह के स्वर होने के कारण उन्हें विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन 1842 में अफीम युद्ध समाप्त हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए 2 युद्धों को अफीम युद्ध कहते हैं। मेरी वीडियो को ऐसे ही रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल मोटिवेटेड एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे मेरी वीडियो आप ही को सबसे पहले मिले। तो आज के इतिहास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कल के इतिहास के साथ। धन्यवाद।